स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन कार्टून। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू कार्टून्स अरोड़ास। हो गया स्टार्ट करें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल द अरोड़ास ब्रदर। तो मेरे को भी तो बोलने दे साले। चलो बोलते हैं। हेलो बोलते हैं। हेलो जी, हेलो, क्या हाल है आपके? बोल दे हे गाइस वेलकम बैक। नहीं मैं, हेलो जी, हेलो, क्या हाल है जी आपके? चलो हाल चाल। स्वागत है आपका हमारा थर्ड व्लॉग में। और हमारे पहले दो व्लॉग्स ट्रायल वीडियोस हमारी, बेसिकली ट्रायल नहीं, बहुत अच्छे से मेरे हमारे वीडियो थी। तो आप हमें वो बताइए यार, और कमेंट कर दिया करो यार, कैसा लगा? कमेंट कर दो यार, बस थोड़ा सपोर्ट हो जाता है कि यार पता चल जाता है कि कैसी बनी है वीडियो। तो आज हमारे, हमें पता चल रहा है हमारे कितने लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जो हम देख रहे हैं हमें कितने बड़े हैं, जो जिन जिन ने देखी है ना, देखो 300-400 एक एक सब्सक्राइबर का हिसाब रहता है, पूरे एक एक सब्सक्राइबर का देखते हैं। 400 व्यूज आए हैं, उसमें से सिर्फ मैं कहूँगा 15% या 20% लोगों ने सब्सक्राइब किया एक्स्ट्रा। तो देख रहे हैं हम आपको, वही है हमारे असली चाहने वाले। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है, आपसे एक प्रॉमिस किया था आप लोगों से, पहली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि कोई डिटेल्ड चीज आने वाली है। तो आज जो हमारे साथ हुआ हम आपको सिर्फ वही बताएंगे। तो आज Q&A सेशन होगा, Q&A भी मैंने ही अपने क्वेश्चंस खुद बनाए हैं, जो मेरे साथ साथ हुआ हाँ, वही ये मुझे पढ़ के बोल देगा हाँ, और वही मैंने आंसर्स बोल देने हैं। और मैं किस लिए पूछूंगा क्वेश्चंस, क्योंकि यार मैं भी तो नहीं गया ना, ये अकेला गया था, आप लोग भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया। इसकी भी हमें US वीजा अपॉइंटमेंट मिल गई है अगले महीने हाँ, अब मैं भी US जाऊंगा, मैं भी व्लॉग बनाऊंगा साथ, कोई बात नहीं, हम न्यू ईयर पे जाएंगे, आपको वादा करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। रोड देख लो यार, देख लो, व्लॉग बनाने के चक्कर में व्लॉगर बन गए, व्लॉगर बन गए, आवारा और व्लॉगर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन कार्टियो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू कार टॉक्स विद अरोड़ास। हो गया स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था, बेसिकली 6 क्वेश्चंस है, बेसिक ही है सब कुछ, जो मेरे साथ हुआ है, 6-7 कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं, स्टूडेंट्स के साथ होता है, जो नॉर्मल क्वेश्चंस सबके माइंड में चलते रहते होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं तेरे से ये पूछूंगा यार, कि ऑफिसर ने तेरे से क्या क्या पूछा, मतलब A to Z जो भी वर्बल कम्युनिकेशन तुम्हारी हुई, वो ऑफिसर ने तुझसे क्या क्या पूछा डिटेल्ड में जब तू बॉर्डर पे पहुंचा? तो हुआ क्या था, जब मैं बॉर्डर पे पहुंचा था, पहली बात तो गाइस मैं गाड़ी पे गया था, अगर कोई मासा तभी जोड़ रहा हो, तो मैं अपना नाइग्रा बॉर्डर से मैंने एंट्री ली थी। ऑफिसर ने मतलब वहाँ पे एक लेन थी, हमें लेन में खड़ा होना था, फिर जैसे जैसे मेरी बारी आगे आ रही थी तो मैं वहाँ पर पहुँचा, तो ऑफिसर ने मुझसे पूछा था आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप पहले यहाँ करते क्या हो, जा किस ले रहे हो और कब आओगे, बस ये 4 सवाल पूछे थे। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया था, फिर पासपोर्ट लेके मेरे को पासपोर्ट मेरा अंदर चला गया, तो उन्होंने कहा था एक बार अंदर आ जाना, तो फिर मैं अंदर गया, वहाँ पे मैंने पूछी कहाँ से आए हो, क्या करते हो इधर, और कब वापस आओगे, और जा के रहते। सेकेंड थिंग, उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया था, फिर मुझे अंदर बुलाया था, अंदर बुला के उन्होंने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग करी थी कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उनको बताया सब कुछ, अपने दोस्तों के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। देखो, दो बार बुलाया था कि पहले बाहर था, और पहले बाहर था जहाँ पे हमने, जहाँ पे सारे नॉर्मल रहे, क्योंकि ना वहाँ पे वहाँ से सारे लोग जा रहे थे, अच्छा, लाइक वहाँ पे वही पे उनका पासपोर्ट चेक हो रहा था और उनको भेज दिया था, शायद मेरा पहली बार था तो मुझे उन्होंने अंदर बुलाया, बेसिकली उन्होंने अंदर पासपोर्ट पे स्टैम्प लगाया था एंट्री का, और ये भी बोलते हैं चेकिंग करी थी, उसका डायरेक्टली बस मेरा क्लियर हो गया, मैं फिर चला गया था। कंक्लूजन ये है कि जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस है कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, आपको बस वही बता, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस से जवाब दो उनको, ऑफिसर को, कि मतलब सब कुछ सॉर्टेड रहे। चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो तूने फॉर्म्स भरे थे जानने के लिए, जो तूने जितने भी फॉर्म्स भरे थे, कौन कौन से भरे थे, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म कौन सा था? यार मेरे ना, मैंने अपने रिलेटिव्स को भी पूछा था, क्योंकि पहली बार था, मुझे खुद को डर लग रहा था कि कैसे जाते हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो मैंने अपने सारे गाड़ी के पेपर्स सारे रख लेना, पेपर्स उन्होंने मेरे देखे थे, और एक सबने मुझे बोला था I-94 फॉर्म्स होता है, वो I-94 फॉर्म बताया था कि अगर पासपोर्ट खो जाए तो बस, अगर वो आपके पास होना I-94 फॉर्म, तो इट्स अ काइंड ऑफ 6 month वीज़ा, 6 month या 1 year वीज़ा, तो मैं पहली भर के लेके गया था कि वहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो,
$8-9 का था, मैं अगर मैं उसका भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी, मैं डाल दूंगा उसको फॉर्म को कैसे भरते हैं। बट मैं जब वहाँ गया मैंने ऑफिसर को बोला कि मेरे पास I-94 फॉर्म भी है, यू नीड दैट, तो उन्होंने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। सो आई आपको लोग जितना भी बोले कोई फॉर्म वॉर्म, बस एक पासपोर्ट और अपना गाड़ी का पेपर ले जाना, दैट्स इट, नो अदर थिंग इज नीडेड, सिंपल, कोई और डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं। देखो मैंने तो $10 भरे थे, $10 एक और चीज लेके गया था, बट उनमें से उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। या तो ऐसा हो सकता है कि मैं भर के लेके गया था ऑलरेडी उनके उस पर अपीयर हो रहा हो, क्योंकि मैंने उसमें अपनी गाड़ी की डिटेल्स भी डाली हुई थी, मेरे पासपोर्ट डिटेल्स भी थी, तो उनके लैपटॉप में उनके कंप्यूटर में लाइक मेरी प्रोफाइल खुल गई हो कि इसने कर रखा है, तो मेरा टाइम बच गया। बट वो ऐसा कुछ था नहीं उस, मतलब मेरे से किसी ने कुछ पूछा नहीं। अच्छा, तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ा सॉर्टेड ही है उधर, अगर तो स्टडी परमिट लेके जाना, मुझसे आते वक्त स्टडी परमिट पूछा था जब मैं वापस आ रहा था, मुझसे आते वक्त उन्होंने स्टडी परमिट देखा था। मोरओवर हाँ, बस मुझसे स्टडी परमिट ही देखा, दैट्स इट। तो जो अगला क्वेश्चन है, जब तू बॉर्डर पे पहुंचा था तो उन्होंने तेरी गाड़ी में चेक किया था, क्या क्या चेक किया था? एंड उन्होंने मतलब मेरी गाड़ी, मतलब बस पीछे वाली, वैसे मेरे को लोगों ने ये भी बोला था कि स्कैनिंग होगी गाड़ी की, आप कहीं से जाओगे उसमें से गाड़ी स्कैन होती है, ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उन्होंने बस मेरे पीछे वाले विंडोज रोल डाउन कराए, वीडियो में भी देखा होगा आपने, वो वीडियो में मतलब उन्होंने वो रोल डाउन कराया, बस मेरा उधर से क्लियर चिट, उन्होंने देखा कुछ है नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा और कुछ तो नहीं है आपके पास पर्सनल बिलोंगिंग्स के अलावा और कुछ तो नहीं, तो मैंने कह दिया था नहीं है। अच्छा, तो वहाँ पे भी आई वाज फ्री टू गो, एंड हार्डली मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का प्रोसेस था जाना और आना भी। मैं सही टाइम पे गया था तो मुझे जाम भी नहीं मिला, रश भी नहीं मिली। तो तेरी इसमें क्या रिकमेंडेशन है, जैसे अगर बंदे कुछ लेके जाते हैं, कोई नई चीज लेके जाते हैं, किसी को गिफ्ट देना होता है यहाँ से, यार एक सर्टेन अमाउंट है और वो ऑनलाइन पढ़ लेना, या तो मैं सिमर को बोल दूंगा जब वो एडिट कर रहा होगा ना, वो नीचे डाल देगा, एक सर्टेन अमाउंट के जितनी आप चीज लेके आ सकते हो उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि न्यूयॉर्क गया हूँ, मैं बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा, क्योंकि फिर मैं सब कुछ देख दो के गया था, एज सच है नहीं, आपका सारा देखेंगे वो, तो कुछ ऐसी चीजें करो ही मत, इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके मत आओ, सिर्फ जितना अलाउड है सिर्फ उतना लेके जाओ। सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है, आते वक्त तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ स्टडी परमिट देखा, और आते वक्त उन्होंने मेरे पासपोर्ट पर स्टैम्प भी नहीं मारा। अच्छा, आई डोंट नो क्यों नहीं मारा, क्या है, कुछ नहीं मारा, बस कभी ये पढ़ के ये लिख देगा भाई, तो फिर ज़्यादा काम दे रहा है तो मेरे को एडिटिंग वगैरह का। तो चलो, और मैं आपको ये भी बताऊँगा वीज़ा कैसे करते हैं, मेरा 15 डेज में वीज़ा आ गया था। तो चलो ये बात तो सारी क्लियर हो गई कि क्या हुआ उधर, क्या क्या नहीं हुआ। तो यहाँ से टोरंटो से निकला, जितना टाइम भी लगा तेरे को ये क्रॉस करने में, तो उधर मेन बॉर्डर पे देखो कितना टाइम लगा, मतलब बॉर्डर पे बताया था पे 5 मिनट लगे एग्जैक्टली, ऑल ओवर जितना भी बॉर्डर पे टाइम लगा तेरी गाड़ी वाड़ी का प्रोसीजर, जाते वक्त 10 मिनट, आते वक्त 2 मिनट, दैट्स इट, 7 घंटे। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, मतलब 7 घंटे विद टोल रोड है, 9 hours without toll road लोगे, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका कितना टोल रोड लगेगा। बाकी टोल रोड तो जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो तो सबके लगने ही है, तो आप चार्जेस उसमें कैसे बचा सकते हो, कैमरे चार्जेस होते हैं यहाँ पे, अगर कोई कनाडा से देख रहा है यू नो दैट 407 में अगर आप जाओगे, अगर आपके पास ट्रांसमीटर है तो चार्जेस नहीं लगेंगे, अगर वो नहीं है तो आपको $5 कैमरे के चार्जेस होते हैं, और ये हर जगह है। तो एक काम कर सकते हो, EZ पास ले सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा वो भी नीचे, EZ पास ले सकते हो आप, उसके थ्रू अपना टोल का वो ट्रांसमीटर ऑर्डर करा सकते हो। फ्री टोल रोड के चार्जेस आए थे, बहुत ज़्यादा इसी वजह से आए थे कि मैं बार बार एंट्री एग्जिट कर रहा था, तो कैमरा चार्जेस मेरे हर बारी के लग रहे थे $7 तो आप पैसे वहाँ बचा सकते हो। बाकी अगर मेरे पास मेरे टोटल लगे हैं $200 सिंगल साइड जाना जाना टोल रोड से, विदाउट टोल रोड से जाओगे तो 2 घंटे में आप $200 बचाओगे। बट मैं एक बार टोल रोड से गया था, वापसी में नो मतलब फ्री में आया हूँ, मुझे दोनों एक्सपीरियंस करना था। जितने भी लिंक्स वगैरह या जितनी भी चीज़ें वो डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। तो जो अगला क्वेश्चन है, तो और हाँ एक और बात, अगर तुम गाड़ी से जा रहे हो भाई, देख के बहुत बहुत पुलिस होती है रास्ते में, हर थोड़ी देर बाद मुझे कॉप्स दिख रहे थे, और इनफैक्ट
जैसे टोरंटो में खड़े होकर स्पीड गन लेके चल रहे होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे ये तो थे ही थे, इनफैक्ट हमारे साथ साथ कॉप्स चल रहे थे और वो साथ साथ ही पुल ओवर कर रहे थे, मूविंग कॉप्स होता होगा, क्या होता है मुझे नहीं पता, बट हाँ ऐसा था सिस्टम। तो जब तू यहाँ से गया था तो मतलब ऑडियंस को क्या सजेशन देना चाहता है कि होटल वगैरह का कैसे वो बुक करे? होटल ना मैंने क्या था टाइम स्क्वायर पे पहली बार जा रहा था और दोस्त भी थे तो मैं आगे कुछ बोल भी नहीं पाया, तो टाइम स्क्वायर पे करा था, बट बाकी मैं कहूँगा आउटस्कर्ट में करो, थोड़ा खुला इलाका हो, थोड़ा पैसे ही बच जाते हैं, पैसे भी बच जाते हैं। पैसे मेन किस चीज से बचते? पार्किंग के। अब टाइम स्क्वायर के पास था, मेरे होटल की पार्किंग नहीं थी, मैंने 60 USD पर डे पार्किंग दिए 4 डेज, मतलब $240 मैंने पार्किंग में खर्च करी है USD। तो आप वो पैसे बचा सकते हो, वहाँ से आप नॉर्मल वो पैसे आप ट्रांजिट और उसमें लगा लो, ऊबर में लगा लो। तो मैंने सुना है कि जैसे टाइम स्क्वायर पे पार्किंग का भी बहुत इशू रहता है, पार्किंग बहुत ज्यादा, हमें पहले से बुक करा के जानी पड़ती है या फिर उधर जाके आराम सब कुछ हो जाता है? वैसे अगर आपका टाइम स्क्वायर पे होटल है तो अगर आपको पार्किंग बुक करानी है तो एक ऐप है स्पॉट हीरो ही है, तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उसके अंदर वो कई का वो टोरंटो में भी चलता है, वहाँ पे भी चलता है, मैंने तो उसके थ्रू बुकिंग कराई थी। बाकी अगर होटल का नाम लोगे होटल से पूछ लेना, होटल की प्रेफर्ड पार्किंग होती है तो उसमें 10% डिस्काउंट और मिल जाता है। अच्छा, और मैं तुम्हें एक ऐप भी बताऊँगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन पी नाम का ऐप है जिससे आप अपना पे वे कर सकते हो, वहाँ पे भी एक ऐप है, उसमें लोकेशन आईडी डाल के आप पे कर सकते हो। मैं पहले 2 दिन बहुत परेशान रहा था, फिर भाई मेरे को किसी ना कोई वहाँ पे देसी मिला था, उसने मुझे बताया था कि ये चीज़ हेल्प करेगी, फिर जो 2 दिन थे वो थोड़े मेरे ठीक रहे क्योंकि वो मैं ऐप के थ्रू थोड़े पार्किंग के पैसे भी बचा रहा था, बाकी हर जगह रुकने पे वहाँ पे पैसे थे पार्किंग के। तो चलो यही है, गाड़ी से जाने के मेरिट डीमेरिट्स यही है कि पर तेरी जर्नी आपके साथ, आप अगर आप अकेले भी जा रहे हो तो आप ये सोच लो कि आपके साथ एक पार्टनर और है, वो गाड़ी, चाहे 2 बंदे जा रहे हो तो आप सोच लो 3 बंदे हो, अब गाड़ी का भी आपको रहने का करना है, इतना तो मेरा रहने का नहीं आया जितना मेरे गाड़ी का आया। और मेरिट्स ये है कि इतना सुंदर रास्ता है, प्यारे प्यारे छोटे छोटे पहाड़, बहुत बहुत अमेजिंग व्यू था पूरे रास्ते, अलग अलग चीज़ें देख के जाओगे, मतलब कितने रास्ते थे तो वहाँ पे विलेजेस के अंदर से लेके गए थे, फिर वहाँ पे विंड व्हील्स भी थी इतनी ज्यादा। तो चल तेरी जर्नी, अच्छा तेरी जर्नी स्मूथ रही ना कुल मिला के, सब कुछ बढ़िया हो गया, बट क्रॉसिंग बॉर्डर क्रॉसिंग चलो तो मैं किसी और जाऊंगा, चलेंगे, नहीं नहीं मैं जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी तो हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं, एंड करते हैं ये सेशन को, और व्लॉग तो एंड नहीं हो रहा, व्लॉग तो कंटिन्यू होगा। बहुत बढ़िया था यार, बहुत बढ़िया था न्यूयॉर्क, तो रिकमेंडेशन है सबको जाना चाहिए, बहुत ज्यादा। बंदे कहते हैं कनाडा और न्यूयॉर्क में ज्यादा डिफरेंस है, नहीं यूएस और कनाडा रहने लायक है, न्यूयॉर्क में मैं नहीं रह पाऊंगा, बट हां जो जो मैंने ना पिक्चरों में देखा था, वो तो तेरे को वैसे भी देंगे सिटीजनशिप, पिक्चरों में देखा था ना बस, वो उसको जीके बड़ा मजा आया कनाडा तेरे को पीआर दे दे जब भी तू यहां पे, वरना तो यूएस में रह रहा होता अभी। चलो बाय बाय।